हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लो। पार्ट वन में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड होता क्या है, काइनेमेटिक्स मीन क्या होता है। तो क्या है काइनेमेटिक? इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ मोशन ऑफ पार्टिकल विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेज। मीन्स मोशन तो कंसिडर हम करते हैं, बट विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेज से जो हमारा फ्लो होता है फ्लूइड में, उसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक ऑफ फ्लो। ओके, अब हमारा यहाँ पे चैप्टर में 6 टाइप का टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन। तो इसमें हमारा जो पहला टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है वो है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, एंड द लास्ट वन इज 1, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लो। ये 6 टॉपिक को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो में सबसे पहला हम इसमें देखते हैं स्टडी फ्लो क्या होता है। ठीक है, स्टडी फ्लो क्या होता है, मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो It is that type of flow in which the fluid characteristic or properties like velocity, pressure, density, etc. at any point do not change with respect to time. For example, ये हमारा पाइप हुआ। ठीक है, ये हमारा कोई पाइप हुआ। अब यहाँ इसमें क्या हो रहा है, हमारा फ्लूइड के ये लेयर्स हैं जो कि इसमें फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्टडी फ्लो का मींस यही होता है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, लाइक वेलोसिटी हो गया, उसका प्रेशर हो गया। यहाँ पे आप वेलोसिटी कंसीडर करें इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आप प्रेशर कंसीडर करें या डेंसिटी कंसीडर करें, एट किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आप देखें चाहे ये बी पॉइंट पे देखें, दोनों जगह आपको उसका वेलोसिटी, उसका प्रेशर, उसकी डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखा है, डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी डेल वी अपॉन डेल टी। डेल का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ अप्रॉक्स में, क्योंकि पहली बार तो फ्लूइड है, उसका पर्टिकुलर पॉइंट तो हम बता नहीं सकते, इसलिए हम डेल में लेके अप्रॉक्स में लेके चलते हैं। तो डेल वी अपॉन डेल टी, अब एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट वाई इज इक्वल टू जीरो, एट जेड इज इक्वल टू जीरो। एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो मैं इसलिए लिखा, अब इस जो हमने फ्लूइड कंसिडर किया है वो एक्चुअली आप थ्री डायमेंशन में सोचो, पाइप में से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, वो थ्री डायमेंशन में फ्लो हो रहा है। आपने कोई पॉइंट कंसिडर किया, उस पॉइंट का क्या, वो फ्लूइड जो हमारा पाइप है उसके बेस से उसका क्या डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हमने यहाँ पे मान ले रहे हैं एक्स जीरो, वाई जीरो, जेड जीरो उसका कोऑर्डिनेट है। वहाँ पे उस पॉइंट पे डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि नो चेंज हो रहा है, सेम टू सेम प्रेशर अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो एट पॉइंट एक्स वन, वाई वन और जेड वन, कहीं भी पॉइंट मान लिया, सेम टू सेम डेल रो अपॉन डेल टी दैट इज डेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो एक्स एक्स टू, वाई टू और जेड टू। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो क्या होता है, अब अनस्टडी फ्लो में क्या है, स्टडी फ्लो का अपोजिट। वहां पे क्या था, हमारा वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी, ये सब जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है, हर एक पॉइंट पे सेम होता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी जो हमारा फ्लूइड प्रॉपर्टीज है स्टडी फ्लो में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता है। बट अनस्टडी फ्लो में क्या होता है, चेंज होता है, वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट इक्वल टू जीरो, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेंसिटी इज नॉट, डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हुआ हमारा अनस्टडी फ्लो। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, दैट इज लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पाइप का एग्जाम्पल दिया था, ये हमारा एक पाइप हुआ,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये फ्लूइड का लेयर फ्लो हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे जैसे हमने ये पॉइंट चूज किया ए, ये पॉइंट चूज किया बी, ये पॉइंट चूज किया सी विथ रिस्पेक्ट टू ये जो ये बेस जो लाइन है इससे, बेस जो पाइप के बेस से। अब यहाँ पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, हमने माना पॉइंट ए पे वेलोसिटी वी है, तो पॉइंट वी पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो इसका इस यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब ही हुआ कि विथ लेंथ, जिधर साइड आप जो पॉइंट जिस डायरेक्शन में आप ले रहे हो, लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो मीन्स स्पेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसका कुछ लेंथ की बात कर रहे हैं कि हमने इस बेस से इतनी दूर पे अपना पॉइंट रखा, इतनी दूर पे रखा, इतने लेंथ पे रखा, तो वहाँ पे जो वेलोसिटी क्या होगा वो चेंज नहीं होगा। दिस मीन्स डेल वी अपॉन डेल एस एज फॉर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू जीरो एट टाइम कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यूनिफॉर्म फ्लो देखें, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है, जो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो का क्या कहना था, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी जो है हमारा है, हमारा हमने किसी पॉइंट पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी माना है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस वो क्या होगा, चेंज नहीं होता है, ठीक है। बट इन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो उसका अपोजिट, जो वेलोसिटी आप किसी पॉइंट पे लेंगे तो वो हर एक लेंथ पे, हर एक डिस्टेंस पे क्या होगा, वो चेंज होगा। तो हम लिख सकते हैं जो हमारा डेल वी अपॉन डेल एस है इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो चेंज होगा इसलिए नॉट इक्वल टू जीरो एट टाइम कॉन्स्टेंट लेके हम चलते हैं, तो ठीक है। बस यही था हमारा यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ओके। नेक्स्ट है हमारा लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है, द फ्लो इन विच द एडजेसेंट लेयर डू नॉट क्रॉस ईच अदर एंड मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीम लाइन। हमने पाइप बनाया था, पाइप का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हर जगह, ये हमारा पाइप हुआ, ठीक है। हम जानते हैं ये सरफेस हो गया, ये सरफेस से एक लेयर ये रहा, इसके ऊपर वाला लेयर, इसके ऊपर वाला लेयर, तो ये जो लेयर है ये एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो ये जो लेयर है हमारा लिक्विड फ्लो का, तो हमारा लेमिनार फ्लो क्या होता है, ये जो लेयर होते हैं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, उनकी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, वो एक दूसरे से एडजेसेंट रहता है बट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, एक दूसरे के पैरेलली मूव करता है, दैट इज माई लेमिनार फ्लो, ठीक है। और लेमिनार फ्लो का जो रिनॉल्ड नंबर होता है वो ऑलवेज लेस देन 2000। अब रिनॉल्ड नंबर क्या होता है जस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो, द फ्लो इन विच एडजेसेंट लेयर क्रॉस ईच अदर। अब जो हमारा ये लेयर है अभी क्या होगा, कुछ ऐसा फ्लो करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा। ये क्या हुआ हमारा, ये होगा हमारा टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, जिसका रिनॉल्ड नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 4000। ये आपको समझना पड़ेगा इससे कि आपका ये लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। आगे जब क्वेश्चंस बनेंगे तो उसमें आपको जो वैल्यू आएगा रिनॉल्ड नंबर का उसको देखकर आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो फ्लो है वो लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है, ओके। अब देखते हैं रिनॉल्ड नंबर क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में हम काफ़ी रिनॉल्ड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम जानते हैं जो हमारा रिनॉल्ड नंबर होता है दैट इज वी D अपॉन म्यू, ठीक है। यहाँ पे D क्या है, दैट इज डायामीटर ऑफ पाइप, ठीक है। V फॉर मीन वेलोसिटी एंड म्यू इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक्चुअली शायद हम हमारा जो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का फोर्थ यूनिट है उसमें हम स्पेशल रिनॉल्ड नंबर पे एक लेक्चर ही डिस्कस किए थे, तो आप वहाँ से भी रिनॉल्ड नंबर के बारे में जान सकते हो। फिलहाल रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला ये होता है, आगे काम आएगा इस चैप्टर में हमको, ठीक है, आगे बढ़ें, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रेसिव एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। कॉम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हर एक पॉइंट पे फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे डेंसिटी क्या होता है, चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू, इन अदर वर्ड्स द डेंसिटी इज नॉट कॉन्स्टेंट फॉर द फ्लूइड, ठीक है। मीन्स हम बोल सकते हैं फ्लूइड के लिए जो कॉम्प्रेसिबल फ्लो है, अगर हमारा फ्लूइड है और कॉम्प्रेसिबल फ्लो है, दिस मीन्स डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है ऑलवेज डेंसिटी। क्या है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड फ्लो, ओके।
अब लास्ट है हमारा, एक्चुअली सेकंड लास्ट है हमारा, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ओके नेक्स्ट, रोटेशनल फ्लो। ठीक है, रोटेशनल फ्लो देखते हैं क्या होता है। इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स वाइल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस। स्ट्रीम लाइन की बात हो रहा है, दिस मीन्स हम बात कर रहे हैं ये फ्लूइड है हमारा, ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है एक दूसरे के पैरेलल, क्रॉस नहीं हो रहा है, लेमिनार फ्लो है। ठीक है, अब क्या होता है इन रोटेशनल फ्लो में, एक पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा फ्लूइड क्या होता है, ऐसे ऐसे विदाउट क्रॉस किए रोटेट करता है। दिस इज द रोटेशनल फ्लो। ठीक है, मीन्स क्या था, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स वाइल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन के अलोंग द फ्लो होता है ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस। जो स्ट्रीम लाइन होते हैं वो अपने ऑन एक्सिस पे रोटेट होता है। एंड इरोटेशनल फ्लो में क्या होता है, इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स वाइल फ्लोइंग अलोंग स्ट्रीम लाइन डू नॉट रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस। एक्सिस पे रोटेट नहीं होता है, ऐसा रोटेट होता है, ऐसा कुछ होगा, ऐसे क्रॉस कर देगा एक दूसरे को, समझ रहे हैं, ऐसा क्रॉस टाइप का, टर्बुलेंट टाइप का यह काम करता है, दैट इज इरोटेशनल फ्लो। नाउ लास्ट वन इज है 1, 2 and 3 डायमेंशनल फ्लो। सबसे पहले हम देखेंगे 1 डायमेंशनल फ्लो क्या होता है। इट इज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लो पैरामीटर सच एज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस कोऑर्डिनेट ओनली। ठीक है, दिस मीन्स अब ये देखो, x के अकॉर्डिंग u, y के अकॉर्डिंग वेलोसिटी v एंड z के अकॉर्डिंग वेलोसिटी w, हम ये मान रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है वन डायमेंशनल फ्लो में, किसी एक डायमेंशन की बात हो रही है। अगर हम x डायरेक्शन साइड की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कौन सा वेलोसिटी कंसिडर करेंगे, डेट इज u, और किसका फंक्शन होगा, एफ एक्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टू डायमेंशन का देखें, ये देखिए टू डायमेंशन फ्लो की बात कर रहे हैं, मीन्स दो डायमेंशन में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। टू डायमेंशन फ्लो इज दैट इन विच द फ्लूइड पैरामीटर्स दैट इज यू वी और डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ टू स्पेस कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज यू भी होगा एक डायरेक्शन में, एक्स्ट्रा यू होगा किस उसका फंक्शन क्या होगा, एक्स वाई, क्योंकि टू कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। वी जो होगा एक्स वाई, एफ वन एक्स वाई एंड द फंक्शन एफ टू एक्स वाई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इन टू डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड का पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं, दैट इज यू और वी, और डब्ल्यू क्या होगा हमारा, जीरो, क्योंकि हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जब हम थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे, ठीक है, ये देखिए थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या है, और थ्री डायमेंशनल फ्लो इज दैट इन विच द फ्लूइड पैरामीटर आर फंक्शन ऑफ ऑल थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स वाई जेड, ये तीन स्पेस होते हैं हमारे पास। तो जो फ्लूइड पैरामीटर है यू वी डब्ल्यू वो एक्स वाई जेड, एक्स वाई एफ वन एक्स वाई जेड, एफ टू एक्स वाई जेड, एफ थ्री एक्स वाई जेड, तीनों के फंक्शन में होंगे। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम कहाँ थ्री डायमेंशन फ्लो देखते हैं, ये देखो ये पत्थर हम ये मैं ये बनाया हूँ, ये झरना टाइप का, ठीक है, ये झरना टाइप ऊपर से वाटर ऐसे आ रहा है, तो ये जो वाटर किसी पॉइंट पे आप देखोगे वहाँ पे जो वेलोसिटी यू डायरेक्शन में भी होगा, v डायरेक्शन में भी होगा और w डायरेक्शन में होगा, तो इस फ्लो को हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फ्लो। ओके, सो आई थिंक आपको ये जो हमारा 6 मेन टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसका प्रॉपर्टी तो आप याद ही कर लेना, डेफिनेशंस भी याद कर लेना कैसे काम करते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको बताया गया नहीं क्या कैसे, उसमें डायरेक्ट लिख देगा दिस इज लेमिनार फ्लो, दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज यूनिफॉर्म फ्लो, तो आपको पहचानना होगा कि यूनिफॉर्म फ्लो में क्या जीरो होता है, कब जीरो के इक्वल होता है कि नहीं, उसके पैरामीटर्स, ये सब आपको ये पूरे डेफिनेशंस जब आपको अच्छे से क्लियर होंगे तभी बनेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।